खा रहा है ये तरीके से खा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लोन वोल्फ। और मैं वापस हूँ एक और झन्नाटेदार ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ नोएडा में एक डॉग फ्रेंडली कैफे जिसका नाम है बार्क स्ट्रीट। तो वहाँ पे लोग अपने अपने डॉग्स को लेके जाते हैं और वहाँ पे अपनी पार्टी वगैरह करते हैं डॉग्स के साथ। तो क्या है वहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगा। अभी मैं अपने डॉग को लेके जा रहा हूँ, तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो दिखाता हूँ क्या है वहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। गाइस, पहुंच गया हूं मैं बार्क स्ट्रीट। ये आप सामने रोड देख रहे हो, वहां पे अपनी कार पार्क कर सकते हो। और ये नोएडा के सेक्टर 104 में पड़ता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप्स का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आ सकते हो। तो गाइस देखो, अंदर एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, सारे डॉग्स खेल वगैरह रहे हैं, बढ़िया है एकदम। जैसे आप एंटर करोगे, सारे डॉग्स आपके डॉग्स को एकदम देखने आ जाएंगे। और बढ़िया है, मतलब इनके ओनर के 3 डॉग्स हैं, तीनों बहुत ट्रेंड हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बाकी के डॉग्स भी अपने आप ही यहाँ पे आके एम्बियंस देख के सब सही हो जाता है। और गाइस, ये लिकर भी सर्व करते हैं 299 में। इनकी ऑल ड्रिंक्स हैं, तो आप एक बार देख सकते हो। मैं आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगा मेन्यू वगैरह जो है। तो गाइज ये देखो, डूबी नाम है इसका, शिट्जू ब्रीड है ये। इसकी चेयर पे चढ़ गया कैली की, जानता है ये इसको पहले से, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आता रहता हूँ। और ये लेब्राडोर भी ओनर का ही है, बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स हैं ये। और यहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है डॉग्स के साथ, अगर कुछ होती भी है तो यहाँ पे लोग देखते रहते हैं सब, तो पहले ही रोक देते हैं। तो बढ़िया एकदम एम्बियंस है। देखो एक और लेब्राडोर आ गया है गोल्डन कलर का। और देखो ये एकदम मिल रहे हैं सब आपस में, हाय हेलो चल रहा है इनका, स्मेल वगैरह करके करते हैं ये हाय हेलो। अभी एकदम सब ये कंफर्टेबल हो जाएगा ये डॉग भी थोड़ी देर में। जिगी नाम है इसका। तो देखो जिगी ने आते ही पॉटी कर दी है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका डॉग पॉटी करता है उठा देते हैं लोग यहाँ पे, अब डॉग ये क्या करें। नो जिगी के ओनर से बात हुई मेरी, वो कह रहे थे कि लास्ट टाइम जिगी जब आया था बार्क स्ट्रीट में, तो उसको फीमेल फ्रेंच बुलडॉग जैसे कैली है सेम उससे प्यार हो गया था, क्योंकि वो हीट पर थी, मतलब मेटिंग टाइम था उसका। उसके बाद इसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, 21 इंजेक्शन लगे थे तब जाके खाना खाया था इसने। तो एकदम देखो बिल्कुल परेशान हो गया था। सामने ये डॉग्स बैठे हैं, ये देख रहे हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ, क्या माहौल है। देखो एक और डॉग आ गया है यहाँ पे, सब जितने भी डॉग्स हैं सब एकदम बेताब हो रहे हैं उसे ग्रीट करने के लिए। सब पहुंच गए। तो देखो ये जो डॉग आया है अभी, ये भी एक फीमेल है, पोमेरेनियन है। सारे डॉग एकदम मिलना चाह रहे हैं, एकदम थोड़ा सा मीट एंड ग्रीट करना चाहते हैं। देखो एक और डॉग आ गया, अब सारे डॉग जाएंगे इसे ग्रीट करेंगे। ये देखो एक और आया है छोटा सा। अपने आप डॉग के लिए आप स्पेशली पानी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मतलब डॉग को कोई पूरा डॉग फ्रेंडली कैफे है, तो कोई इशू नहीं होगा आपके डॉग को। खाना पीना चल रहा है गाइस, एकदम बढ़िया मस्त माहौल है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर एक इनका सेक्शन है, अभी इसको डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। लाइट्स रात में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस देखो, नाइट एम्बियंस ऐसा है, यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, ऐसी यहाँ पे कैरियोके नाइट्स वगैरह इवेंट्स होते रहते हैं। मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करके अपडेट रह सकते हो। और बाहर बैठना चाहो वहाँ भी अपनी चेयर लगा सकते हो, स्पीकर्स वहाँ भी है, तो वहाँ भी इंजॉय करोगे। तो कैली को मैं लंच करा के लाया था, तो अभी इसको भूख नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया डॉग फूड। वरना डॉग का यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता जो भी होता है स्पेशली डॉग के लिए क्रिएट कर देते हैं, तो डॉग अपना खा सकता है उसका। अगर आपको डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप यहाँ पे ले आओ, आराम से उसका बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट हो जाएगा। केक वेक भी स्पेशली डॉग के लिए क्रिएट हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं होता है। देखो गाइज, यहाँ पे डॉग पार्टी चली है, इस डॉग का बर्थडे और सारे डॉग्स आ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये देखो गाइज, ये डॉग फ्रेंडली कप केक्स हैं, गाना भी लगा दिया इन्होंने हैप्पी बर्थडे वाला। ये देखो एकदम मस्त चल रहा है यहाँ पे। कैली को आई थिंक ये कपकेक पसंद नहीं आया, या फिर इसका पेट भरा हुआ है, इसने बहुत कुछ खा लिया था इसलिए अभी नहीं खा रही है। देखो देखो, कैली सेलिब्रिटी बन गई है वहाँ पे, सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं पूरा मस्त एकदम। इन्हें पता नहीं है, इसे उठा के काट लेती है, चलो कोई नहीं, अब बच गए तो इनकी अच्छी किस्मत है, वरना तो काट ही लेगी। वैसे सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
वो जो वाइट पोमेरेनियन है वो भी एक बिच है। तो ये देखो टर्की डॉग जो है वो वहाँ पहुँच गया है। अब देखो एकदम पूरा वो छोड़ ही नहीं रहा है, कोई भी अगर गर्ल होगी तो उसके पीछे पड़ जा रहा है एकदम पूरा। जिगी के ओनर ने कैली को पकड़ लिया, वो नाराज़ हो रहा है कि भाई क्यों पकड़ा है, अरे छोड़ दो नीचे खेलना है मुझे। ये बदतमीज डॉग है देखो। ये डॉग थोड़ा बदतमीज लग रहा है मुझे। ये भी ओनर का ही डॉग है, ए जे नाम है इसका, ब्लैक वाला, दबा लिया इसे। बोथ आर प्लेइंग राइट नाउ। ये देखो एजे इसके जिगी के पीछे पड़ गया है। एजे ये ओनर का ही डॉग है लेब्राडोर, और ये देखो ये जिगी के पीछे पड़ गया है, एकदम पहचान नहीं पा रहा है कि ये लड़का है, हरकतें कर रहा है इसके साथ ये। देखो एजे को प्यार हो गया है जिगी से, इसके पीछे पड़ गया है एकदम। ये पहले जिगी सबके पीछे था, अब एजे इसके पीछे पड़ गया है। एजे संभल नहीं रहा है, गया एजे वापस। अब ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे देखो डॉग्स खेल कूद सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जिगी है कैली के पीछे और एजे है जिगी के पीछे, चेन बन गई है यहाँ पे। तो गाइस देखो सारे डॉग्स एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं, एकदम फ्रेंडली हो गए हैं, मस्त है। अगर आपका डॉग एग्रेसिव भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आके सही हो जाएगा। देखो कैली को यहाँ पे शायद पॉटी आ रही है, अब देखो ये पॉटी करेगी यहाँ पे। खाना पीना इसका टाइट हो गया अंदर, इसको जिगी के ओनर ने भी दे दिया था। दिस इज डूबी शिट जू। Which breed is this? This Shih Tzu, same breed. This is, I think, small right now. No, he's 5 years. 5 years old. Okay. पूरा व्लॉग यहाँ का मैंने आपको पूरा दिखाया, क्या क्या है यहाँ पे, अपने डॉग को लेके आओ, पूरा मस्त इन्जॉय करो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करो, पूरा केक काटो उसका, अपने डॉग को स्पेशली डॉग क्रिएटेड डिशेस दो। तो यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ, अपने डॉग को भी अच्छे से ट्रीट करो। अपने आप ऑफिस का काम करना चाहते हो, यहाँ बैठ के आराम से चिल करो। तो गाइज़ यही मेरे को आपको दिखाना था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो और लाऊंगा। तो हैव फन।